क्या नहीं, एक बीघा जमीन से दूसरी बीघा जमीन नहीं है हमारे पास। मेरा आदमी जीवता था जब भी नहीं मिला था, अबे तक भी नहीं मिल रहा। जब राजस्थान के चुनावी सफर के लिए राजस्थान तक निकल पड़ा, राजस्थान को टटोलने, जमीनी हकीकत को आपके सामने रखने, तो बहुत हकीकत ऐसी आई जिसमें दर्द था, गुस्सा था, खुशी थी और उदासी भी थी, लेकिन कई जगहों पर सपने अधूरे, उम्मीदें अधूरी भी थी। आखिरकार ऐसा क्यों? वो जांच पड़ताल सीधा हम इस कैमरे तक, जनता की आवाज जो है सीधा आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, यहाँ पर जब मैं झालावाड़ पहुंची तो एक महिला का दर्द और आंसू जो है उनकी जबान से छलक पड़ा था, और क्या कुछ कहती है, उन्हीं का दर्द राजस्थान तक पे रखना चाहूंगी। हाँ, तो मेरे मतलब कुछ भी नहीं, एक भी को जमीन है एंड बेटा का ने कुछ भी नहीं धंधा बिल्कुल न। एक दो बार मन में राशन कार्ड लेके भेजी गुड़िया को कि बेटा अपने भी देगा थोड़ा बहुत तो अपने भी गुजारा चलेगा, तो मना कर दी नहीं है के। तो क्या आपने ये बात अपने जो मन की बात है, ये दिक्कत समस्या किसी के सामने रखी थी? किसी के सामने रखा? जब आते, जब ही आते तो उन टेबल तो सब अपने अपने हो जाता है, हम तो दूरी खड़ा रह जाते। आपको आश्वासन मिला किसी तरह का? किसी का नहीं मिला। क्या जब आपने जिम्मेदारों के सामने अपनी बात रखी तो उनका क्या कुछ कहना था? कुछ भी नहीं रखा ना, वो जब भी आया था जब भी कुछ भी नहीं मौका मिल गया, बोलवा भी नहीं दिया। किसने नहीं बोलने दिया? जाओ अतरे तो चल पड़े, जब जनता में कैसे जाके उबे घूंघट काटते हैं हम तो वहाँ। लेकिन जब आपने उनको बोला कि ये मन की बात है तो कुछ भी नहीं कहा कि ये भाई जी अब काम होगा नहीं होगा? कुछ भी नहीं बोला, हम तो जो देखिया करे बस घूंघट काट के बस ये इसे बैठा रहे बस, पर कुछ भी नहीं पूछा कि भाई क्या है कि क्या नहीं। एक बीघा जमीन से दूसरी बीघा जमीन नहीं है हमारे पास में, भले आप नाप देख लो भले। ठीक है, और राजस्थान तक पे अपनी बात के जरिए क्या बात पहुँचाएंगे? क्यों तो भाई थोड़ा बहुत तो खाने का तो चाहिएगा नहीं है? हम तो हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, भले आप सही दो मत दो, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, बस यही है हमारे पास। तो गुजारा कैसे चलाते हैं आप? यही भगवानी है, छोड़ो थोड़े से गणी या बड़ोदा बैंक है नानी में को क्या कुछ भी नहीं मिलता, ये परावट में है, ये परावट वो किया कहीं भी हो, मैं तो यह भी नहीं जानती हूँ, तो अनपढ़ हो रहा तुम हो आप। कुछ भी बस वो लाता है वो गुजारा चलता है इनका, एक मेरा में से चल जाता है। अच्छा, इन 5 सालों में गुजारा आपका कैसा रहा? ये ऐसे ही चल रहा, बेटा कमाता है थोड़ा बहुत लाता है, हमारे 1 किलो गेहूँ भी नहीं मिला, कब भी नहीं मिला, आज जो भी मिला वो तो बताओ, मेरा आदमी जीवता था जब भी नहीं मिला था अभी तक भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा आप। और उससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब जब भी कहा मिलिया मैंने सरपंच तो वो सुनते ही नहीं हमारा, तो इनके तो मेरे को ऐसा गुस्सा आ रहा था, तो भी मैंने क्यों को अपना धर्म नहीं छोड़ा भाई, तो भी मैंने क्यों को भी खुश होके देगा। आपके बाद सरकार चाहते हैं वसुंधरा राज का, तो वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तब आपके दर्द का जो हाल है नहीं सुन, मतलब उस आतरी जनता में उसको कोई जाते ही नहीं हम पास में, अच्छा नहीं लगता है कि भाई देखो कोई, तो वो जनता के लिए ही तो थी, और ये कहा जाता है भी है। अभी भी नहीं आ रही थी, मैं तो सो रही थी, बहू बुला के लाई के चलो, मैंने क्यों कोई भी नहीं सुनता है, क्यों जब फालतू में वहाँ धक्का खाने जाऊँगा। तो फिर सभी यहाँ पर मौजूद वसुंधरा राजे का नाम क्यों ले रहे हैं जब आप कह रहे हैं नहीं सुनती है? तो वसुंधरा राजे मतलब कभी तो सुनेगा, कभी तो धर्म विचारेगा कि भाई मान लो कोई मत रो, चलो मेरा दर्द मत सुनो कोई बात नहीं, तो और जनता का तो सुनेगा। इतना भरोसा क्यों है कि अभी तक नहीं? तो मेरे को तो भरोसा है मेरे भगवान पे, सही दो सही मत दो मेरे ईश्वर जरूर देगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन महिला का दर्द किस तरह से छलक पड़ा, और सीधा का सीधा महिला की ज़ुबानी जो है हमने सीधा राजस्थान तक पे जो है वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। और अब देखना ये बड़ा रहेगा कि 3 दिसंबर को जो है नतीजों की तस्वीर और तकदीर में क्या कुछ रहता है, लेकिन इन महिला की तस्वीर और तकदीर कब और कौन सी कैसे सरकार बदलेगी, ये भी नज़र हमारी जो है वो लगातार बनी रहेगी। राजस्थान तक है अपने चुनावी सफर पर, इस सफर में हम टटोल रहे हैं मतदाता के मन की बात। गहलोत, वसुंधरा या फिर पायलट, किसको मिलेगा जनता का साथ, देखिए हमारी खास रिपोर्ट वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ से सिर्फ राजस्थान तक पर।